नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर मोतिहारी से है। बीजेपी एमएलसी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता की पत्नी के नाम से हुए जमीन रजिस्ट्री में 8 करोड़ रुपए के राजस्व चोरी का लगा आरोप अब राजनीतिक रूप ले लिया है। लंबे चुप्पी के बाद अब विपक्षी पार्टियों ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया है। इस मामले में पूर्वी चंपारण जिले के राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष बच्चा यादव ने मीडिया के समक्ष एमएलसी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं पूर्व जिला अध्यक्ष बच्चा यादव। मामला यह है कि जो मोतिहारी तुरकौलिया रोड है, बलगंगा में स्टेट हाईवे पर 14 एकड़ जमीन बबलू गुप्ता जी जो भाजपा के एमएलसी हैं, उनको अपने पत्नी के नाम पर निबंधन पदाधिकारी के मिली भगत से रजिस्ट्री कराए हैं। जो जमीन जो आवासीय हैं, व्यवसायिक है, वैसे जमीन को कृषि योग्य जमीन बता कर रजिस्ट्री कराया गया है, जिसमें लगभग सरकार का 8 करोड़ से अधिक राजस्व की क्षति हुई है। इसके लेकर बबलू गुप्ता जो भाजपा के एमएलसी हैं, जो सुशासन बाबू की सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय निबंधन हो रहा था, 1400 डिसमिल जमीन का निबंधन हो रहा था, उस समय निबंधन पदाधिकारी कहां थे कि इसका जांच नहीं कराया गया। लेकिन मामला इसके भीतर है, जो कुछ है, विशेष सूत्रों से जानकारी हुआ है कि स्थानीय एमएलसी जो रजिस्ट्रार से मिली भगत से यह हुआ था कि रजिस्ट्रार जी को 25 लाख रुपया देना है, लेकिन इन्होंने अपने पद के गुरूर में आकर पैसा नहीं दिया, जिसके चलते रजिस्ट्रार ने खुलासा किया और यह मामला हाईलाइट हुआ। तो मैं पूछना का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे, और यदि इस पर जिला पदाधिकारी एक्शन नहीं लिए और रजिस्ट्रार एक्शन नहीं लिया, तो हम इस मामला को जो विधानसभा चलेगा उसमें प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव लंग रखेंगे और इसको विधानसभा में उठाने का काम करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे।